हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। टुडे वी डिस्कस द स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ पेपर सेकंड मैथमेटिकल सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखी है। डेफिनेशन क्या है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, वेयर ए बी बिलोंग्स टू, क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन विथ आई स्क्वेयर माइनस वन इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज यूजली डिनोटेड बाय जेड, इज यूजली डिनोटेड बाय जेड। मतलब क्या है, हमारे पास ए प्लस आई बी, अगर जेड इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसे हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू, क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर। आर मतलब क्या है, आर इज द रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है कि रियल नंबर मतलब क्या है कि इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो माइनस वन माइनस टू या से वन टू अप टू इंफिनिटी, मतलब जो भी नंबर आएगा आपके पास होगी वो सभी रियल नंबर होंगे और ए बी वो बिलोंग्स टू आर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा है, उसके जगह पे आपको एक्स वाई भी आ सकता है, या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हम इसे भी ऐसा लिख सकते हैं, वेयर एक्स वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू, एक्स वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज दी है, आई की वैल्यू, आई क्या है, आई इज द इमेजिनरी नंबर, आई की वैल्यू है हमारे पास रूट ऑफ माइनस वन, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन, देयरफॉर अगर हम आई का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन, तो आई की वैल्यू है रूट ऑफ माइनस वन और आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है माइनस वन ओनली। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है, आई इज द इमेज नंबर। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि हमें दो पार्ट दिए हुए, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी हमने लिखा है, वैसे क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें दो पार्ट दिए, तो एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है वो अब देखेंगे हमें। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा जेड इज इक्वल टू ए बी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हमारे पास है, तो रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो पहला जो पार्ट है इसे कहते हैं, ए को कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल पार्ट। अभी सेकंड जो बी है, आई बी, उसके साथ आई है, तो इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी जिसके आपको सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि आई जिसके साथ है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और आई जिसके साथ नहीं उसे रियल पार्ट कहते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट ये दोनों हमारे हो गए। इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं, रियल पार्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट स्टेप पे। सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसे कहते हैं, सपोज मेरे पास है जेड इज इक्वल टू, सपोज लिया जेड इज इक्वल टू प्लस टू वाई इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट मैंने लिया सपोज। सेकंड जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आई इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड एग्जाम्पल मैं लूंगा जेड इज इक्वल टू ओनली आ माइनस आई इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इज, फोर्थ एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे जेड इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास है जेड इज इक्वल टू, मेरे पास जेड इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड इस प्रकार हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आई, कोई भी आप माइनस लिखिए प्लस लिखिए, तो ये फिर पांच एग्जांपल हमने यहाँ पे दे दी, इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उसको आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मतलब हमारे पास सपोज ऐसे नंबर दिए ए प्लस आई बी, सर ए प्लस आई बी दिया है हमारे पास नंबर, और दूसरा दिया है सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी, मतलब एक पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल टू सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, मतलब ए इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू डी है, तो ये इसे हम इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, उसे हम इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सपोज मेरे पास एग्जांपल दिया है, सपोज जेड वन इज इक्वल टू मेरे पास है थ्री प्लस टू वाई,
एंड जेड टू इज इक्वल टू है 4 + 3i। ठीक है, तो जेड टू क्या है, जेड वन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 4, दोनों क्या हो गए नॉट इक्वल होंगे, जेड वन इज नॉट इक्वल टू जेड टू। अगर मेरे पास एग्जाम्पल ये फर्स्ट लिया मैंने, एग्जाम्पल सेकंड यहाँ पे लिखता हूं मैं, अगर जेड इज इक्वल टू 3 + 2i है और जेड टू इज इक्वल टू भी जेड टू इज इक्वल टू 3 + 2i है, तो दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे 3 3, दोनों का रियल पार्ट इक्वल है, दोनों का इमेजनरी पार्ट भी इक्वल है यहाँ पे, देयरफॉर यहाँ पे जेड वन इज इक्वल टू जेड टू हम उसको लिख सकते हैं, जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, दैट इज अ सिंपल थिंग, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, भी इक्वल करना है सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हमें यहाँ पे बोला है। तो जैसे हमने ऊपर इक्वल दिखाया है, तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड, ठीक है, ए प्लस टू बी, ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम, ए प्लस टू बी प्लस टू ए आई इज इक्वल टू 4 + 6i, ओके। तो हमें क्या करना है इसमें, अभी जिसके साथ i है वो है इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ i नहीं है वो है रियल पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, पार्ट, ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या आएगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो a प्लस टू बी इज इक्वल टू आएगा 4, इसको देते हैं इक्वेशन 1, एंड 2ai इक्वल टू 6i, मतलब i के जो साथ है तो i इक्वल किया, तो यहाँ पे क्या होगा, ii गेट कैंसल, हमारे पास क्या पे रहा है यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स a इक्वल टू कितना है हमारे पास, a इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 डिवाइड हो जाएगा उसमें, तो क्या आएगा इधर a इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 6/2, दैट इज a इज इक्वल टू कितना आएगा 3, देयरफॉर a इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अगर a इज इक्वल टू 3 हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, साइड में लिखता हूं यहां पे, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, देयरफॉर a प्लस 2 भी था हमारा इक्वेशन 1 इक्वल टू 4 है, देयरफॉर a क्या है 3 + 2b इज इक्वल टू 4 होगा, तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा 4 - 3, तो यहाँ पे आएगा 1, तो b इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1/2। एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है हमारा, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो a एंड b हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अभी हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या था हमारे पास, सेकंड एग्जांपल a माइनस b प्लस a प्लस b इंटू i, सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, सेकंड एग्जांपल a माइनस b प्लस a प्लस b इंटू i इज इक्वल टू था, इक्वल टू क्या था, a प्लस 5i, a प्लस 5i, तो a प्लस 5i इक्वल टू a 5i, ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पे हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन में सिंपल क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन में a माइनस बी और इक्वल प्लस, पहले लिख लेते हैं एग्जांपल ब्रैकेट में, a प्लस बी इंटू आई इक्वल टू a प्लस 5i, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो हम क्या आएगा यहाँ पे, a माइनस बी इक्वल टू हमारे पास आएगा a, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू आएगा, तो मतलब माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी इक्वल टू a माइनस a, मतलब माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू 0 हमारे पास, b इज इक्वल टू 0, ओके। ऐसे हम अभी ये हमने रियल पार्ट इक्वल किया था, अभी हम इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट अगर इक्वल करते हैं तो क्या आएगा, देखो इमेजिनरी पार्ट क्या था यहाँ पे, यहाँ पे था a प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 5i, ओके, तो आई गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5,
दैट मीन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जीरो, दैट इज ए प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइव, दैट मीन ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फाइव, तो ए इज इक्वल टू फाइव हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हो गई ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो दोनों का देयरफॉर यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू फाइव एंड बी इज इक्वल टू जीरो। तो सेकंड एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, और थर्ड एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, थर्ड था टू सॉरी ए प्लस बी इन ब्रैकेट टू प्लस आई मल्टीप्लाई में, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू टू प्लस आई इंटू है टू प्लस आई, ओके इंटू टू प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस वन प्लस बी प्लस वन प्लस था बी प्लस वन प्लस बी प्लस वन प्लस टेन प्लस टू आई टू ए इंटू आई, ब्रैकेट में प्लस टू ए इंटू आई, ओके टेन प्लस टू ए इंटू आई, ये ब्रैकेट कॉल्स, ठीक है। तो ये थर्ड एग्जांपल है हमारा, थर्ड एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखो, ओके थर्ड एग्जांपल सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे फिर से देखो, सॉल्यूशन में एग्जांपल आप फिर लिख सकते हैं, लेट ए प्लस बी इंटू टू ए प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस वन प्लस टेन प्लस टू ए इंटू आई, ठीक है टेन प्लस टू ए इंटू आई। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, ए से मल्टीप्लाई करें तो ए इन ब्रैकेट टू प्लस आई, सेकंड में आएगा प्लस बी इन ब्रैकेट टू प्लस आई इक्वल टू ये बी प्लस वन प्लस टेन प्लस टू ए इंटू आई, ये ब्रैकेट एज इट इज आएंगे, ठीक है राइट हैंड साइड अपने वैसे रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, यहाँ पे आएगा टू ए प्लस ए आई प्लस टू बी प्लस बी आई इज इक्वल टू बी प्लस वन प्लस टेन प्लस टू ए इंटू आई, ओके। तो ये टू ए एंड टू बी हम साथ में लिखेंगे, टू ए प्लस टू बी प्लस ए प्लस बी इंटू आई, तो ये ए बी है यहाँ पे, ए आई है, बी आई है, हमने यहाँ पे आई कॉमन निकाला, इधर आएगा बी प्लस वन प्लस टेन इंटू टू ए इंटू आई, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी करेंगे इक्वल, ठीक है इक्वलिटी ऑफ सॉरी इक्वलिटी ऑफ इमेजिनरी एंड इमेजिनरी एंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर टू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस टू बी सॉरी 2a प्लस टू बी इज इक्वल टू, टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या आएगा बी प्लस वन, ओके और सेकंड क्या आएगा a प्लस बी इंटू आई था इक्वल टू टेन प्लस टू ए इंटू आई, टेन प्लस टू ए इंटू आई, आई गेट क्या होगा, आई आई गेट कैंसल, तो क्या आएगा फिर a प्लस बी इज इक्वल टू टेन प्लस टू ए, दैट इज क्या आएगा, ये अभी हमें सपोज b की वैल्यू निकाली तो b इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास टेन प्लस टू ए माइनस ए, ये प्लस ए उधर जाके माइनस होगा, तो बी इज इक्वल टू टेन माइनस एक एक चला जाएगा, तो बी प्लस बी इक्वल टू हमारे पास टेन प्लस ए। अब ये क्या करेंगे हम, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन वन, हम देते हैं इसको ठीक है, पुट इक्वेशन वन में करेंगे, इक्वेशन वन में पुट किया तो क्या आएगा देखो, इक्वेशन वन में पुट करना है उसको, ठीक है। तो इक्वेशन वन क्या था हमारे पास, थोड़ा नीचे लेते उसको, इक्वेशन वन क्या था, टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू बी प्लस वन, नाउ नाउ टू ए प्लस टू बी इज इक्वल टू बी प्लस वन था, तो बी इक्वल टू टेन प्लस ए पुट करना है, तो टू ए प्लस टेन या फिर टू ऑलरेडी है, तो टू इंटू टेन प्लस ए इक्वल टू टेन प्लस ए प्लस वन, मतलब क्या आएगा यहाँ पे टू ए प्लस ट्वेंटी प्लस टू ए इक्वल टू ट्वेंटी प्लस टू ए, मतलब यार एलेवन प्लस ए आएगा, अभी क्या होगा ये टू ए फोर ए और ये माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा थ्री ए इक्वल टू
11 माइनस 20, ये a जो है इधर आ गया, तो ये 2a 2a 4a 4a माइनस ये होगा, ये 3a रहेगा यहाँ पे, तो 3a इक्वल टू हमारे पास रहेगा माइनस 9, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 3 मतलब माइनस 3, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 3, a की वैल्यू क्या आ गई, a आ गया हमारे पास माइनस 3, ओके a आ गया माइनस 3, 3 3 3 9 -3। अभी a की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे माइनस 3, हमारे पास आ गया b की वैल्यू आ जाएगी, तो ठीक है, तो b इज इक्वल टू 10 माइनस 3, तो b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू हमारे पास आएगा 10 माइनस 3 मतलब 7, तो b इक्वल टू आएगा हमारे पास 7। तो इस प्रकार हमने तीसरा एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया है, आप अच्छी प्रैक्टिस करिए उसकी, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट क्या होता है, ठीक है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो राइट द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कंजुगेट क्या है, तो सपोज जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जेड बार इज द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू ए माइनस आई बी, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट क्या आएगा, कंजुगेट इज डिनोटेड बाय जेड बार, ठीक है, जेड बार से डिनोट करते हैं, और ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, मतलब क्या है, इमेजनरी पार्ट का साइन यहाँ पे चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे प्लस आई बी था तो यहाँ पे माइनस आई बी आएगा, तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो आपको प्लस आएगा, ये अब सिर्फ आपको करना है, ए कुछ एग्जाम्पल लिखे है यहाँ पे, अब वन बाय वन करेंगे हम उसको, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, पहला एग्जाम्पल था सपोज जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस आई, जेड इक्वल टू क्या है, थ्री प्लस आई, देन कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड बार, तो जेड बार इज इक्वल टू सिंपली लिखेगा वन लाइन आंसर है थ्री माइनस आई, ओके। सेकंड था, सेकंड एग्जाम्पल देखो, जेड इज इक्वल टू हमारे पास है थ्री माइनस लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, तो थ्री माइनस हम फोर आई कर देंगे उसको, तो क्या आएगा हमारे पास, थ्री माइनस फोर आई, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल फोर आई लिख देते उसको, यहाँ पे थ्री माइनस फोर आई, तो उसका क्या आएगा, कंजुगेट डिनोटेड बाय जेड बार, जेड बार इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आई, सिर्फ क्या क्या हमने माइनस की जगह पे प्लस दिया, ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट किसे कहते हैं, आई जिसके साथ है उसे हम इमेजनरी पार्ट कहते हैं, और आई जिसके साथ नहीं है उसे रियल पार्ट कहते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल देते हैं, और थर्ड क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट फाइव माइनस ऑफ रूट सेवन आई, हमें क्या करना है, सिर्फ ओनली चेंज द इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, तो जेड बार इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे उसको, माइनस फाइव रूट ऑफ माइनस फाइव प्लस रूट ऑफ सेवन आए, ठीक है, रूट ऑफ माइनस फाइव प्लस रूट ऑफ सेवन आए। फोर्थ एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल क्या है, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस फाइव, जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस फाइव, तो क्या आएगा यहाँ पे, इससे पहले हम सॉल्व करेंगे थोड़ा, माइनस ऑफ रूट ऑफ माइनस फाइव, तो माइनस फाइव को हम क्या करेंगे उसको, माइनस फाइव को लिख सकते हैं हम माइनस ऑफ वन, रूट ऑफ माइनस वन, अभी रूट ऑफ माइनस वन क्या है, रूट ऑफ माइनस वन हमें लिखा है हमने ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, रूट ऑफ माइनस वन की वैल्यू क्या है, आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली हम उसको माइनस ऑफ रूट फाइव आई, आई क्या है, रूट ऑफ माइनस वन, अभी हम उसका अगर कंजुगेट निकालेंगे तो इम्प्लाई जेड बार इज इक्वल टू, जेड बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ओनली साइन द इमेजनरी पार्ट का ओनली माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, तो जेड बार इज इक्वल टू रूट ऑफ फाइव आए। उसके बाद में देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, रूट ऑफ फाइव माइनस आए, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ फाइव माइनस आए, तो कंजुगेट ऑफ का डिनोट करते हैं हम जेड बार से, तो जेड बार इज इक्वल टू रूट ऑफ फाइव प्लस आए, ओके, ये हो गया हमारा कंजुगेट। वैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वाई सिक्स, सिक्स नंबर का क्या था, सॉरी फाइव हो गया, फाइव था, फाइव आई करा गया, ये सिक्स एग्जाम्पल छूट गया बीच में, फाइव नंबर का नंबर गलत हो गया, तो जेड इज इक्वल टू हमारे पास फाइव आई ओनली है, तो क्या करेंगे उसका कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट, तो जेड बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ फाइव आई, क्योंकि इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी है आई है उसके साथ, तो सेवन नंबर का देखते क्या है, सेवन नंबर का क्या था, सेवन नंबर का था हमारे पास रूट टू प्लस रूट थ्री आए, जेड इज इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री आए,
जैसे हम कंजुगेट करना है तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय जेड बार इज इक्वल टू रूट टू प्लस, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस, ओके माइनस आएगा, ओके माइनस ऑफ रूट थ्री आए, ओके। तो ये सात हो गए हमारे, और लास्ट का था हमारा सेवन एट वाला, क्या है जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका कंजुगेट निकलना है तो क्या आएगा इम्प्लाइज जेड बार इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ओनली, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देख लिया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या होना चाहिए ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ये आप ध्यान में रखो ओनली चेंज द साइन ऑफ, चेंज द साइन ऑफ, ठीक है साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ आपको क्या करना है साइन चेंज करना है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय जेड बार, तो ये आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि हमें साइन चेंज करना है किसका इमेजिनरी पार्ट का। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पे आई की पावर देखिए, ठीक है आई की पावर देखेंगे हम जनरल फॉर्म फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं मैंने आई रिस्टिट पावर फोर, जैसे कि हमारे पास अगर आई की वैल्यू है आई स्क्वायर, हमें लिखा था पहले आई की वैल्यू थी रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर पास आई स्क्वायर था ओनली माइनस वन, वैसे हम आई क्यूब निकालेंगे तो आई क्यूब क्या आएगा आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन, माइनस वन इंटू आई हम लिखेंगे तो उसका आंसर आएगा माइनस आई। तो इस प्रकार हम वैल्यू और भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़े नंबर की वैल्यू बड़े पावर की वैल्यू हो तो उसके लिए फार्मूलाइज किया हुआ है आई रेज़ टू द पावर फोर एन, पहला फार्मूला यहाँ पे आई रेज़ टू द पावर फोर एन इज इक्वल टू वन, आई रेज़ टू द पावर फोर एन प्लस वन इज इक्वल टू वन, आई रेज़ टू द पावर फोर एन प्लस टू इक्वल टू वन सॉरी माइनस वन, और आई रेज़ टू द पावर फोर एन प्लस थ्री इक्वल टू माइनस आई, ये फोर एन प्लस वन इक्वल टू आई है। और ये चार फार्मूले आपको ऑलवेज रिमेम्बर करने हैं, आपको लर्न करने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आपको ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए इवैल्यूएट द वैल्यू, ये दो दो मार्क के लिए एग्जांपल, तो आपको ये ऊपर दिए हुए फार्मूले याद रखने चाहिए, आप अच्छी तरह से उसको रीड कर लो एक बार। यहाँ पे मैं साइड में भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे आई रेज़ टू द पावर फोर एन इज इक्वल टू वन, आई रेज़ टू द पावर फोर एन प्लस वन इज इक्वल टू आई, आप रीड कर दीजिए आई रेज़ टू द पावर फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस वन, और आई रेज़ टू द पावर फोर एन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस आई, ओके। तो ये फर्स्ट एग्जांपल अभी हम सॉल्व करेंगे, देखो आई रेज़ टू द पावर 35 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आई रेज़ टू द पावर 35, ठीक है आई रेज़ टू द पावर 35। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे आई रेज़ टू द पावर 35, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूलाइज करेंगे ऊपर दिए फार्मूला आई रेज़ टू द पावर फोर एन प्लस कुछ का बचता है, तो यहाँ पे आई रेज़ टू द पावर फोर एन, फोर एन एन क्या है एन मतलब हमें नंबर चूज करना है कि ये 35 के आसपास होना चाहिए, तो आई रेज़ टू द पावर फोर एन मतलब फोर से कौन से नंबर के पास मल्टीप्लाई किया फोर को, तो अब हम जो है वो 35 के करीब जा सकते हैं। तो क्या है अगर हम 5 से करते हैं तो 20 आएगा, 6 से करते हैं तो 24 आएगा, ठीक है, और 8 से करते हैं तो 8 से कर अगर इसको मल्टीप्लाई किया 8 4 32, ठीक है 9 से करते 36 आएगा, 8 4 32, 32 प्लस कितने चाहिए हमें कितने चाहिए 3, मतलब यहाँ पे क्या है आई रेज़ टू द पावर 4n प्लस 3 का फार्मूला यूज हो रहा है हमारा, n क्या है 8, तो 32 प्लस 3 35 मतलब आई रेज़ टू द पावर 4n प्लस 3 क्या है फार्मूला हमारे पास, इसकी वैल्यू माइनस आई, तो हम इसके डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस आई, ये आपको फार्मूला रिमाइंड करना है। सेकंड देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है हमारे पास आई रेज़ टू द पावर 888, ठीक है यहाँ पे 888, तो आई रेज़ टू द पावर 4 इंटू अगर हम कौन से नंबर को करते हैं 4 इंटू अगर हम 2 2 2 करते हैं तो 4 2 जाए 8 4 2 जाए 8 4 2 जाए, मतलब यहाँ पे फार्मूला जो यूज हुआ फार्मूला कौन सा यूज हुआ यहाँ पे आई रेज़ टू द पावर 4n वाला, आई रेज़ टू द पावर 4n इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं 1। इस प्रकार आप कोई भी वैल्यू अगर आपके पास है तो ये फार्मूला यूज करके आप चार फार्मूले जो ऊपर दिए हुए चारों में से कोई भी एक फार्मूला यूज करके आप
आंसर लिख सकते हैं। तो आई रेस्ट टू द पावर 93 है, थर्ड एग्जांपल आई रेस्ट टू द पावर 93 इक्वल टू आई रेस्ट टू द पावर 4 इनटू, अभी देखो 4 के किससे मल्टीप्लाई करना है जबकि वो 93 के पास जा सके, मतलब 92 आ सकता है, 93 91 डायरेक्टली आ सकता है। तो 4 इनटू अगर 20 करेंगे तो 80 आएगा, 22 करेंगे तो 88 आएगा, 23 करोगे तो क्या आएगा 92। ठीक है, देखो 23 इंटू 4 तो 4 3 12 1 8 और 92 आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 23 ये आएगा 92, हमें चाहिए था 93 तो क्या करना है प्लस 1 ऐड करना है, मतलब फार्मूला यहाँ पे और एक आई रेस टू द पावर 4 n प्लस 1 इक्वल टू क्या आता है ओनली आई, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे अभी यूज करना है। तो क्या आएगा ये आई रेस्ट टू द पावर, मतलब यहाँ पे ऐसा आता है आई ओनली आई रेस्ट टू द पावर 4n प्लस 1 तो यहाँ पे आएगा आई। तो ये थर्ड एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया, अभी फोर्थ एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या था आई रेस्ट टू द पावर, फोर्थ एग्जांपल क्या आई रेस्ट टू द पावर 116, फोर्थ एग्जांपल क्या है आई रेस्ट टू द पावर 116। ठीक है, आई रेस्ट टू द पावर 116, तो आई रेस्ट टू पावर 116 मतलब क्या है आई रेस्ट टू पावर 4 इंटू, अभी 25 से करेंगे तो क्या 150 आएगा, 24 से करेंगे 23 से करेंगे तो क्या 24 से कर किया 24 इंटू 4 द 16 1 ये क्या आएगा 96। ठीक है, अभी हम 25 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, 26 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आपको करके देखना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। अगर हम 26 से करेंगे तो क्या आएगा 26 इंटू फोर क्या आएगा यहाँ पे देखो 104 आएगा। ठीक है, 30 करके देखो तो 30 अगर किया 30 इंटू 4 किया तो क्या आएगा 120 आएगा, हमें कितना चाहिए 116 चाहिए, तो मतलब 29 हमने अगर कर दिया 29 इंटू फोर अगर करते हैं तो क्या आएगा 36 3 116, मतलब यहाँ पे अगर हम 29 से करते हैं 29 इंटू फोर क्या आएगा 29 इंटू फोर ये आएगा 116, मतलब आई रेस्ट टू द पावर 4n वाला फार्मूला आई रेस्ट टू द पावर 4n इज इक्वल टू क्या होता है 1, आई रेस्ट टू द पावर 4n इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई रेस्ट टू द पावर 4n वाला ये इरेज कर लेता हूँ मैं। तो आई रेस्ट टू द पावर 4n का फार्मूला मतलब यहाँ पे आएगा 1 हमारा, तो आई रेस्ट टू द पावर 4n का फार्मूला यूज किया हमें पावर 4n इक्वल टू 1 आता है। इस प्रकार फिफ्थ एग्जांपल भी देखेंगे हम, अभी फिफ्थ एग्जांपल क्या था हमारे पास आई रेस्ट टू द पावर 403। ठीक है, आई रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 400 इंटू 100 प्लस कितना करना पड़ेगा 3, तो फार्मूला क्या है आई रेस्ट टू द पावर 4n प्लस 3 क्या आएगा आई रेस्ट टू द पावर 4n प्लस 3 है माइनस आई, तो यहाँ पे आएगा माइनस आई। ठीक है, तो इस प्रकार आगे के जो एग्जांपल है आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एग्जांपल और भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।